ये मैंने वहां से बीन के खाया है। हेलो गाइस, ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं आई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो दीदी लगा रही थी, दीदी के तो पैर में दर्द था, घुटने में दर्द होता है, तो मैंने कहा ला अच्छा मैं लगा देती हूँ। वैसे तो सारा काम दीदी और भांजी करती है, मुझे तो अपने यहाँ कुछ काम मैं नहीं, मतलब मुझे करने को ही नहीं मिलता, मैं कुछ करती भी नहीं हूँ और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो मैं जगी थी, दीदी जगी थी और ये फूफा जगे हुए थे, तो मैंने कहा लाओ मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और इसकी स्पीड मैंने इसलिए बढ़ा दी क्योंकि काफ़ी बड़ा मेरा ये जो है ना जगह है जहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ, काफ़ी बड़ा है। तो पूरा दिखाती तो शायद पूरे में एक ही वीडियो बन पाती, तो मैंने इसकी स्पीड जो है इसलिए बढ़ा रखी हुई है। तो और आज के दिन इतना गर्म रहा है, मुझे तो ये लगता है कि मैं जहाँ जाती हूँ वहीं गर्म होने लगता है। तो दो तीन दिन से इतना गर्म हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैं वही झाड़ू लगा रही थी और ये खटिया एक किनारे पड़ी हुई थी तो मैंने उसको किनारे कर दिया। और यहाँ पर मेरे यहाँ हर श्रृंगार के फूल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और पूरी मतलब आने जाने के रास्ते पर ही गिर जाते हैं, तो उनको भी झाड़कर मैंने किनारे कर दिया है। और अब मैं जा रही थी अपना फेस वॉश करने, यानी कि फेस वॉश नहीं लगाऊंगी, खाली पानी से ही मुंह धुलूंगी क्योंकि पसीने से तो मैं पूरा भीग चुकी हूँ। मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग के टाइम पर ही ये हाल है कि इतना गर्म लग रहा है। तो वही मैं मुँह हाथ धो रही थी, पहले आप लोगों को दिखाया था ड्रम ये सामने रखा हुआ था, लेकिन जब से हम लोग आए हैं तब से ये ड्रम को उठाकर उधर किनारे रख दिया है क्योंकि उधर इधर से जो है आंगन में भी पानी चला जाता है और इधर भी आ जाता है, काम होता है क्योंकि आंगन मतलब आंगन में तो ज़्यादा जाकर कुछ काम धाम करते नहीं हैं क्योंकि वो गिरा हुआ घर है, तो डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो घर गिर जाए, पता नहीं किस टाइम क्या हो जाए, तो कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए ड्रम वगैरह सब इस साइड उठाकर रख दिया गया है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, मुझे ये कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और मेरी हालत देख रहे हो, जैसे मैं अपने कानपुर में रहती हूँ वैसे ही हूँ सेम, और यहाँ पर मेरे सास ससुर नहीं है तो मुझे दिक्कत कुछ भी नहीं होती कि मुझे ये कंपलसरी नहीं होता कि मैं साड़ी पहनूँ या ना पहनूँ, ये कंपलसरी नहीं है। तो मैं जो भी कपड़ा पहनना चाहती हूँ तो पहन लेती हूँ और मेरा घर जो है एकदम बीच में पड़ जाता है। और मेरा फेस देख रहे हो आप लोग किस तरह से मेरा फेस हो रखा है। और कैसे हैं आप लोग, तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये देखिए, चलिए आप लोगों को अंदर दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरी करुणा सो रही है, उठ, ये देखो ये टहल रही है, देवरानी जी टहल रही है। और ये सो रही है, अभी ये उठेगी भी नहीं। एक ना आई, उठ चल जाए बना, उठ। ये देखो उठ नहीं रही है, इसको ये नहीं समझ में आ रहा, मामी को फोन आ रहा किसका है, उठ उठ रही, चल जाए बना, 7 बज गया, उठ 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 उठ। और यहाँ किसका फोन आया, एक मिनट। और ये मेरे बाबूजी सो रहे हैं, भैया ए भैया उठो, यहाँ पर आते हैं तो इनका यही काम होता है, जल्दी उठने वाले नहीं हैं। कन्हा उठ 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 जल्दी उठ 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 चाय बना। और मैं ये चलती हूँ पानी गर्माती हूँ, प्यास लगी है ना। ये पानी साफ है, ये पानी साफ है, ये
ये पार्टी वाला कि नहीं कौन पार्ट से ले ले पानी वाला उठ चाय बनाओ प्लेट ले आई कहाँ सवेरे से ले आते को राखी पापा कौन राखी और यहाँ पर मैं आई थी गरम पानी गरम करने के लिए, बट मैं माचिस ढूंढ रही थी तो मुझे माचिस वगैरह कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ये मेरी भांजी जो है अपना किचन संभालती है तो वो सारा सामान इधर से उधर रखती है, तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं छोड़कर और उठकर ऐसे चली गई। फिर मैंने बोला कि अब तुम ही मुझे गरमा कर देना, क्योंकि मैं ढूंढ रही थी मुझे नहीं मिला। होता है ना कि जिसका जो चीज़ होता है उसी की जानकारी में होता है, और दूसरा कोई आता है तो उसको समझ में नहीं आता है, तो वही कंडीशन मेरी भी है। माचिस नहीं है यार, गरमाओ अब जाके। पानी चढ़ाया है, माचिस नहीं मिल रही है उनको गरमा, और उसे चाय चढ़ा देना, ऐसे ही बन जाएगी। करुणा तुम्हारे तो बाल बड़े हो गए करुणा, ये देखो सब लोग देखो भाई, सब लोग देखो मेरी करुणा के बाल कितने बड़े हो गए, देखो 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 ये देखो ये देखो 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 देखो, लेकिन है एकदम पूछ जैसे, पूछ जैसे। और हाँ, अभी सुबह सुबह ही एक सैड न्यूज़ मिली। हम लोग तो गाँव में ही है, हमारे यहाँ कानपुर में हमारे जो जीजा हैं तो उनकी बड़ी बहन नहीं रही, तो हम लोग तो जा भी नहीं पाएंगे। अब कानपुर जाएंगे तब भले वैसे चले जाए, वरना अभी तो गांव में ही है। कहते नहीं ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं थी, तो कभी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो खैर चलिए, अभी पानी गर्म हो रहा, पानी पी लेते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से। और मेरे यहाँ गांव में इतनी गर्मी हो रही, इतनी गर्मी हो रही है कि पता नहीं क्यों, इसमें तो मौसम ठंडा होना चाहिए लेकिन ठंडे का तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, जिसकी वजह से मैं तो मैक्सी लेकर नहीं आई थी। मैं ये जो है ये गाउन लेकर नहीं आई थी, मैं तो सूट और साड़ी लेकर आई थी पहनने के लिए, लेकिन इतनी गर्मी होने के कारण मुझे ये गाउन यहाँ पहनना पड़ रहा है। मैं तो इस मौसम में इतनी गर्मी नहीं होती है जितनी गर्मी यहाँ पर हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अभी से गर्मी स्टार्ट हो गई है। इससे अच्छा तो हमारा कानपुर है, हमारे कानपुर में इतनी गर्मी नहीं हो रही थी जितनी यहाँ हो रही है। और मेरे यहाँ मेरे पेड़ का क्या हाल हो रहा होगा मुझे नहीं पता, मेरे पेड़ तो मुझे लगता है सारे सूख गए होंगे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। अब तो जब जाऊँगी तभी पता चलेगा। तो चलिए पानी पी लेते हैं, प्यास लगी बहुत तेज़ी से। और यहाँ पर दोपहर का टाइम है, हम लोग खाना पीना खाकर लेटे हुए हैं, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, तो ज़्यादा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं लेट गई थी खाना खाकर, और धूप भी थी तो बाहर निकलने का कोई चांस नहीं, और शाम का टाइम है तो मैं जा रही थी गंगा जी। तो चलिए आज आप लोगों को मैं गंगा जी की सैर कराती हूँ। वैसे तो मैं एक बार पहले भी जब मैं आई थी तो वीडियो बना चुकी थी, तो मैं फिर से जो हमारे नए लोग हैं, हमारे नए फ्रेंड्स हैं, तो उन लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो वो जो पहले दिखाया वो हमारे यहाँ का आंवले का पेड़ है, बहुत ढेर सारे आंवले लगे थे। देखो मैं ये खा रही हूँ, कौन से टॉनिक है ये, मैंने वहाँ से भीन के खाया है। ये देखो ये मेरी देवरानी जो है, अभी आप लोगों को आंवले का पेड़ दिखाया ना, तो ये वही का आंवला है जिसको लेकर दिखा रही है। और अभी हम लोग चल रहे हैं गंगा जी, तो गंगा जी चल रहे हैं, तो फिर आप लोगों को गंगा जी की सैर कराते हैं। हाँ देखो ना, हाँ बहुत सुंदर है, देखो ना। अरे फटाकवा खोल के एक फोटो खींच।
और ये गेट बना हुआ है, अब इसी के अंदर से हम लोग गंगा जी के लिए निकलेंगे। दरअसल घर से हमारे काफ़ी पास पड़ता है, पैदल यानी कि पैदल ही आप चले जाओ, किसी चीज़ की कोई साधन की ज़रूरत नहीं, इतना पास है। यानी आप डेली सुबह शाम आना जाना चाहो डेली सुबह शाम आ जाओ, जैसे गार्डन होता है ना उस तरह से हमारे यहाँ की गंगा जी है। और मैं तो जब भी आती हूँ तो एक चक्कर जरूर लगाती हूँ, और आज तो मेरे साथ मेरी देवरानी भी बबली है, मैं तो नहीं जाने वाली, तुम जाओ। ये काफ़ी फनी टाइप में है, मजाकिया टाइप में है, और बहुत अच्छा इसका व्यवहार है, बहुत अच्छा नेचर है। तो ये लोग गंगा जी के पास नीचे जा रही थी, मुझसे बोली आ जाओ, तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे नहीं जाना था। तो आप लोग जान ही मतलब समझ सकते हो कि मुझे नहीं जाना था, सो मैं नहीं गई। तो ये लोग गई हैं, अपना फ़ोटो वगैरह खिंचाई हैं और वीडियो भी बनाया है। तो वाकई में जब मैं पिछली बार आई थी तो ये गंगा जी मेरी पूरी भरी नहीं थी, ये बीच बीच में खाली भी थी, ज़्यादा पानी नहीं था। लेकिन अब की जो है, अब की गंगा जी भरपूर पानी भरा हुआ है, यानी बाढ़ टाइप में जो होता है ना बोलते, तो उस तरह से पूरी ये गंगा जी भरी है। हम लोग तो सोचा था कि नाव होगा तो नाव में भी बैठेंगे, लेकिन शाम टाइम हो गया था, अंधेरा हो गया था, तो इसलिए फिर हम लोग जो हैं नाव में नहीं बैठे कि नाव उस पार थी। और ये लोग पूजा कर रही हैं गंगा जी की, शाम को जो जैसे कि आरती चलती है ना, तो ये वही चीज़ हो रहा है, आरती लोग जला रहे हैं, गंगा जी की पूजा कर रहे हैं। कहते हैं कार्तिक के महीने में जब गंगा जी को मतलब सुबह शाम आरती चलती है तो और अच्छा लगता है, तो बट उस टाइम तो मैं रहती नहीं हूँ, तो इस समय भी आरती वगैरह डाली जा रही है, लेकिन उस उतना नहीं है, लेकिन फिर भी वो गंदा मुझे लग रहा है। उधर एक नाव है, ये घास फूस उधर एक नाव है, और मुझे उधर जाना नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं जा रही, मैं यहीं से ही वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो आना जाना होता नहीं है, लेकिन आई हूँ तो सोच रही थी कि थोड़ा सा बना लूँ। उस नाव का फोटो तो आई नहीं पा रहा, और ये देखिए ये गंगा जी में दीप डाला गया है, कितना अच्छा लग रहा है। अगर ये एक साथ कई और होते तो बहुत सुंदर लगता, वाकई में बहुत सुंदर लगता। और यहाँ पर मेरी देवरानी बोली कि चलो हम लोग एक किले पर बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थक गए हैं तो बैठे तो थे नहीं, तो मैंने भी कहा कि चलो अच्छा है बैठ जाते हैं थोड़ी देर। तो वहीं जाकर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, पर हम लोगों का रात का खाना वाना हो चुका है, अंधेरा था, ज़्यादा रोशनी नहीं थी, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। तो चलिए अब मैं चलती हूँ और मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़